तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोस्त ने दोस्त के पीठ पर घोंपा छुरा। तो आपको बता दें, राशन लेकर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। तो पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला तो पहले भी हो चुका है विवाद। तो विवाद के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में घायल युवक को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। तो एक बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विवाद के चलते युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। तो आपको बता दें, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने प्रयागराज को रेफर कर दिया। तो मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के हतैटी रामपुर का है। तो पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राशन लेकर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। तो आपको बता दें, ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है और इस रंजिश से पहले भी हो चुका है विवाद। तो विवाद के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। तो प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमले में घायल युवक को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया है। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोस्त ने दोस्त के पीठ पर घोंपा छुरा। तो आपको बता दें, राशन लेकर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। तो पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला तो पहले भी हो चुका है विवाद। तो विवाद के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में घायल युवक को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। तो एक बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विवाद के चलते युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। तो आपको बता दें, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने प्रयागराज को रेफर कर दिया। तो मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के हतैटी रामपुर का है। तो पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राशन लेकर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। तो आपको बता दें, ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है और इस रंजिश से पहले भी हो चुका है विवाद। तो विवाद के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। तो प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमले में घायल युवक को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया है। किससे हुई थी लड़ाई? फिर उसके बाद वो दो तीन दिन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन ये लोग नहीं मिल रहे थे। एक उसके बावजूद वो एक दिन ये लोग गए थे वृंदावन के कुछ सामान लाने, उसके बाद वो पीछे से गाड़ी चल रही आ रही थी, वो पीछे से उसने चाकू मार दिया। फिर उसके बाद हम तो पढ़ रहे थे घर पे बैठ के, तुरंत हमें फोन आया कि चाकू लग गई, हम तुरंत दौड़ के गए। उसके बाद हम तुरंत रानी लगन लेके आए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गाजी है।